नमस्कार, मैं आपके साथ प्राची गुलियानी और आप देख रहे हैं वीके न्यूज यूपी। काफी समय से Amazon प्राइम की वेब सीरीज तांडव ने अपने कंटेंट की वजह से देश भर में तांडव मचा रखा है। 19 जनवरी को इस वेब सीरीज के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद बीते दिन वेब सीरीज तांडव के विवादों से जुड़े मामले में Amazon प्राइम की इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित से पुलिस ने पूछताछ की है, जिसके लिए अपर्णा अपना बयान दर्ज कराने के लिए हसरतगंज कोतवाली पहुंची थी। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह अपर्णा बयान दर्ज कराने के लिए थाने की ओर बढ़ रही है। अपर्णा ने मास्क लगाया हुआ है। बता दें कि विवादों में फंसी वेब सीरीज को लेकर अपर्णा पुरोहित से पुलिस ने 50 सवाल किए, जिसके लिए अपर्णा तकरीबन 2 बजे कोतवाली पहुंची थी और 5:40 पर बाहर निकली। इस दौरान पुलिस ने वेब सीरीज में आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर कई सवाल किए, लेकिन अपर्णा के पास उनका कोई जवाब ही नहीं था। वहीं मिली जानकारी के अनुसार SIT की टीम का नेतृत्व करने वाले हसरतगंज कोतवाली प्रभारी अनिल कुमार सिंह ने 50 सवाल पूछे थे अपर्णा पुरोहित ने, जिसमें से केवल 8 का ही जवाब दिया, जिसके कारण अपर्णा को 8 मार्च को दोबारा बुलाया गया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने अपर्णा से पहला सवाल पूछा कि वेब सीरीज पास करने से पहले उसका कंटेंट चेक क्यों नहीं किया गया। इस पर अपर्णा पुरोहित ने कहा कि सभी कंटेंट हमारी स्पेशल टीम के पास होते हैं, वही उसे पास करती है, इसके बाद ही हमारी आखिरी मंजूरी होती है। इसके बाद पुलिस ने दूसरा सवाल पूछा कि मंजूरी देने से पहले वेब सीरीज में किसी भी धर्म, समुदाय, जाति विशेष को लेकर कोई आपत्तिजनक सीन देखे बिना कैसे पास कर दिया गया, जिसके बाद अपर्णा ने कहते हुए सवाल को टाल दिया कि इस बारे में वे कुछ नहीं बता पाएंगी। बता दें कि लगातार 4 सवालों के बाद अपर्णा पुरोहित अगल बगल देखने लगी। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम है, इसका जवाब तो मैं बता ही नहीं सकती। अपर्णा पुरोहित 50 सवालों में से सिर्फ 8 सवालों का ही जवाब दे पाई। इसके साथ ही पूछताछ के दौरान उन्हें वेब सीरीज दिखाई गई, इसमें प्रधानमंत्री और यूनिवर्सिटी से गुम हुए लड़के और भगवान शिव वाले सीन पर सवाल पूछे गए, जिसको लेकर उन्होंने चुप्पी साध ली। इस दौरान वे बैग से रुमाल निकालकर माथे से पसीना पोंछते नजर आई। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं बता पा रही हूँ। उनकी ये हालत देखकर लग रहा था कि मानो वो कुछ छुपाने की कोशिश में लगी हुई है। दरअसल 17 जनवरी को दर्ज मुकदमे में अपर्णा पुरोहित का पहला नाम है। अपर्णा ने Amazon इंडिया के लीगल एडवाइजर के जरिए बॉम्बे हाईकोर्ट, हाईकोर्ट की लखनऊ ब्रांच और सुप्रीम कोर्ट तक केस खारिज करने की अर्जी लगाई थी, लेकिन सभी जगह अर्जी खारिज हो गई। Amazon इंडिया ने सोमवार को हाईकोर्ट की लखनऊ ब्रांच में केस खारिज किए जाने की अर्जी लगाई थी। इसमें सिंगल ब्रांच में सुनवाई करते हुए जस्टिस दिनेश कुमार सिंह ने मंगलवार दोपहर तक उन्हें अपने बयान दर्ज कराने का आदेश दिए थे। इससे पहले पुलिस ने मुंबई जाकर वेब सीरीज के डायरेक्टर अली अब्बास, प्रोड्यूसर हिमांशु और राइटर गौरव सोलंकी का भी बयान दर्ज किया था। बता दें कि 18 जनवरी को लखनऊ के हसरतगंज थाने में एक पुलिस इंस्पेक्टर ने इस मामले में FIR दर्ज करवाई थी। बता दें कि इसमें समाज में बुराई फैलाने, अशांति फैलाने जैसी धाराओं के तहत तांडव वेब सीरीज के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। FIR में Amazon प्राइम की इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित, तांडव वेब सीरीज के डायरेक्टर अली अब्बास, प्रोड्यूसर हिमांशु कृष्ण मेहर और राइटर गौरव सोलंकी को आरोपी बनाया गया है, जिसको लेकर पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। अब ये तो बाद में ही पता चलेगा कि वेब सीरीज दर्शकों को देखने को मिलती है या नहीं, और कब तक ये विवादों में ऐसे ही घिरी रहती है। फिलहाल इस खबर में तो बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें वीके न्यूज़ यूपी। धन्यवाद।